हेलो हेलो हेलो। हाँ, जी एडियन साहब बोल रहे हैं? जी हाँ नमस्कार। और नमस्ते, कैसे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे मैं हैं? ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बोल रहा हूँ, चांद मोहम्मद। जी, बता रहे श्रीमान जी, जो घटना घटी अरविंद को लेकर, ये घटना कैसे बताइए। घटी? PWI के बंगले में, इसके बारे में थोड़ा कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। उसकी डिटेल तो हमारे पास नहीं है। जी आप इंजीनियरिंग विभाग के कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं एडीएन, और आपके मालूम है कि मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरा इंडियन रेलवे में ये आग की तरह फैली, और आपने कह रहे कि मुझे जानकारी नहीं है। जी मेरे को ये जानकारी है कि क्या हुआ है, किसने नहीं क्या किया है, इसकी वाली जानकारी तो हमें कहाँ से होगी? नहीं ठीक है, तो क्या अगर हुआ, हम कैसे हुआ कंट्रोलिंग ये घटना, ऑफिसर कैसे है, उसकी अभी घटना एक घटी? रिपोर्ट बन रही है, वो आपको मिल जाएगी, अभी हम बना के दे रहे हैं। नहीं नहीं ये पूछना है कि ध्यान आपके रखना। आपके चीफ PWI शशिकांत झा ने कहते कि ये छुट्टी में है, उनका ये कहना छुट्टी में है, तो जब वो छुट्टी में है तो फिर नाथूराम जी के बंगले में वो क्या करने के लिए गए थे? नहीं नहीं, नाथूराम जी के बंगले के में थे नहीं थे, इसका हमारे पास कुछ वो नहीं है, साक्ष्य अच्छा। नहीं है कि वो उनके बंगले में थे, बाहर थे, क्या कर रहे थे। तो इसके मतलब जो है जो कि लोग इसके कुछ कह मतलब है रहे हैं इस उसके बेसिस पे बोला उसके जा रहा मतलब है। है कि उसके पूरे परिवार झूठ बोल रहे हैं तब? नहीं, उनके परिवार झूठ बोल रहे हैं तो हमारा सारा स्टाफ भी झूठ बोल रहा है। नहीं, तो इसके मतलब है कि आप जो है फिर आप अपने जो पक्षपात हम कर रहे किसी हैं को नहीं मतलब। कह रहे, ये पुलिस जो है वेरिफिकेशन करे कि कौन कहाँ पे था, और पुलिस वो बताए, वेरिफिकेशन उसके करे, हिसाब से और हम लोग एक्शन लेंगे। हाँ पोस्टमार्टम हम रिपोर्ट को जो लोग सार्वजनिक किया जाए, है जी ना, उसके जी परिवार के जी द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे है, पास जो इन्फॉर्मेशन है फिलहाल हम उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपके पास क्या ना हमें इन्फॉर्मेशन पता है? है कि हमारे पास जो उन्होंने लीव एप्लीकेशन भेजी है, गैंग की अटेंडेंस भेजी है, उसी हाँ के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। नहीं बाकी लोगों ठीक से है, स्टेटमेंट ली जा रही है, जो स्टेटमेंट आएगी हम हाँ उसके बेसिस पे बात कर नहीं ठीक पाएंगे। है श्रीमान, ऐसा है कि आपके पास लीव एप्लीकेशन है, उस पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है चले लीव एप्लीकेशन है, तो फिर बंदा उसके घर में कैसे बरामद हुआ? अरे हमें नहीं पता भाई, उनके घर में था या नहीं था, ये तो कोई कह रहा है घर इसके में था, मतलब है कोई कि कह रहा है नहीं था, ये तो रेल हम तो नहीं कह प्रशासन, सकते रेल ना। प्रशासन ये कर रही है कि इस मामले को लेपापोती करने में लगी हुई है लेपापोती कुछ नहीं है, अगर किसी एकदम। को कुछ लग रहा है वो स्टेट में पुलिस में FIR करे, नहीं FIR के बेसिस वो पे तो पुलिस उनको PWI कस्टडी में ले, तो वो तो अब PWI वो के सब एगेंस्ट, करे ना प्रोसेस, हम नहीं, वो सब प्रोसेस वो करे तो तो हम PWI प्रोसेस के एगेंस्ट में करेंगे। तो FIR होगा ही, FIR के साथ साथ पूरे हाँ जोन में ये कैंडल मार्च होगा, पूरे सारे जोन में इंडियन रेलवे में सारे में होगा उसके विरुद्ध में, ओके ठीक ताकि कि कोई दूसरा फिर जो है ऐसा PWI ना हो कि कोई दूसरा जो है फिर ये जी, बन जाए, ठीक, है ना, ये तो पूरा पूरी इंडियन कस्टडी रेलवे में में ही होगा लेंगे और कैंडल इमीडिएट मार्च। सस्पेंशन उनका हो जाएगा। वो आप जो है, आपको जैसा ठीक लग रहा है कि उनके लिए आपको करना है, वो सब नहीं, उनको देखिए करिए, वो वो तो मतलब कोई डिस्यूट वो करने की बात ऐसा हम नहीं ये है। नहीं चाहते कि कोई ऐसा लेकिन हम अधिकारी, लोग जो है, जो हम लोग इसी बेसिस पे एक्शन ले सकते हैं जो हमारे पास आपसे नहीं आएंगे। आपके एक्शन ना आप हमारे पास अपने कोई आप, कर्मज्ञानी है, ना हमारे पास कुछ नहीं जो नहीं है इसकी चीज की वो है हम लोग कि ये चाहते हैं हम कि इस ऐसे घटना एक्शन को लेंगे। आपको कॉपरेट करना, इस घटना को CBI जांच की मांग करते हैं हम लोग, आप इसमें सहमत वो हैं? तो जो है डिविजन से नहीं बोला नहीं जाएगा, आप इसमें एडीएन हमारी कंट्रोल सहमति है, तो कुछ आप नहीं है। बताइए आप इसमें समर्थन करते हैं कि CBI जांच हो? हमसे पूछा जाएगा तो हम अपना जवाब लिख के दे देंगे, और हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे CBI जांच हो चाहे कोई भी नहीं जांच हो, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना वो चाहिए या नहीं, है बिल्कुल होना चाहिए। ना? और दोषी जो है वो हम नहीं कह सकते कौन दोषी है, नहीं ना लेकिन वो तो जो जांच दोषी करनी है चाहिए, दोषी कौन है? क्वालिफिकेशन हाँ बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ मगर इस जो तरह भी का, है, जो हाँ बोलिए। देखिए, जो भी दोषी है सबसे पहली बात पूरा उनका जांच होके आइडेंटिफाई होना चाहिए, और जो भी दोषी निकलेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त ना हम इस कार्रवाई। बात को सपोर्ट करते हैं, ना हम जो है इनको कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना जो है हम चाहते हैं कि कोई भी बच के निकले। हमारा ये है कि जो एक्चुअल में दोषी है वो पकड़ा जाए, और उससे सख्त से मतलब सख्त कार्रवाई किया जिनको जाए, सख्त से हाँ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ना? उससे तो हमें कोई फर्क नहीं ये पड़ता जो इतनी बड़ी घटना घटी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? है। ये जो घटना घटी है एक ट्रैक मेंटेनर को इस प्रकार से, ये 4 लाख ट्रैक मेंटेनर की घटना है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया मतलब मतलब आप क्या खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा क्यों जो हम नहीं करेंगे, दुख बिल्कुल है इस बात में। मगर ये रेलवे का जो है, रेलवे का फैमिली का एक मेंबर है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, हो गया है, हो रहा नहीं हो गया है, हो गया है, जबकि उसके उसके माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए हैं, बहन भी नहीं है, दो भाई है और ये तीसरा था, जबकि वो दो भाई का लालन पोषण यही कर रहा था। तो ये रेलवे में कहाँ से ये नियम है कि मतलब ट्रैक मेंटेनर रेलवे के अधिकारियों में जाके उसकी निगरानी करे, काम धाम करे? नहीं, हमने नहीं बोला है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे कि कोई भी ट्रैक मेंटेनर रेलवे अधिकारी के घर में नहीं है, आपका कहना यही है ना? नहीं नहीं, हमारा कहना नहीं है। अच्छा, कि मतलब कोई भी ट्रैक मेंटेनर रेलवे अधिकारी की सेवा नहीं कर रहे हैं घर में, ऐसा मैंने नहीं बोला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, हमारा यही है श्रीमान कि आप इसमें सपोर्ट करें, जांच में सपोर्ट करें, जो भी हो प्रशासनिक का सपोर्ट करें, पूरा मिलेगा वो, आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम किसी को यहाँ पे बचाने के लिए नहीं बैठे हैं और ना किसी का सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं इस मामले में, कि जो है कोई ऐसे पर्सनली किसी को ऐसा कर दे और वो जो है फिर बैठे रहे यहाँ पे या उसको हम लोग बचाएंगे, इसका हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये है, जो भी जांच में निकले उसके बेसिस पे ही एक्शन लिया जाए। और दूसरी बात श्रीमान की, हाँ ऐसा है श्रीमान की ये जो घटना होती सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग में ही क्यों घटती है, दूसरे विभाग में क्यों नहीं घटती है, आखिर इसका क्या कारण है? हम कहाँ से बता सकते हैं? नहीं नहीं, इसका कारण आप बता सकते हैं ना, कुछ तो कारण होगा। कहाँ से बताएंगे, बताइए। तो कारण ना, मैं बता रहा हूँ कि कारण ये है कि इंजीनियरिंग विभाग के रेलवे अधिकारियों के द्वारा जो मानसिक प्रताड़ित किया जाता है ट्रैक मेंटेनर को, अगर कोई भी ट्रैक मेंटेनर अगर नहीं जा रहे हैं बंगले में काम कर रहे हैं, इतना हमारे पास डिस्कशन का समय नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है, आप जाके डिवीजन में कंप्लेन कर, डिवीजन तो कंप्लेन होगा, ये इंडियन रेलवे, इंडियन, एक मिनट बोल रहा हूँ, ये इंडियन रेलवे में कंप्लेन होगा, हम सपोर्ट देंगे, लेकिन जो आप फोन करके हमसे बात करके क्या मिलेगा? नहीं नहीं, ठीक है, आप ये जो करना है, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए रहेगा उसका सपोर्ट दिया जाएगा, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषी साबित होने के बाद करी जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, जो है फैमिली को रिलीफ चाहिए, तो जो रेलवे के, जो रेलवे का ये वो तो प्रोवाइड करना है, जल्द से कराया जाएगा, वो तो ये है, पुलिस जो एक्शन लेगी तो उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंटल कार्रवाई का आप स्टेट पुलिस का काम बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है ठीक है, आप वो अपने आप ही करें। हाँ, वो तो जांच का विषय है ना, बाकी जो करना है वो तो आप करिए, बाकी जो